सो हेलो गाइस, आज के स्नैपडील में मैं आपको लाइटरूम प्रीसेट कैसे यूज करते हैं तो वो बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो गाइस आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैं लाइटरूम प्रीसेट कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा। तो गाइस आपको यहाँ से प्रीसेट यूज करने के बाद आपके यहाँ से अपने फोटो एडिट हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ से कुछ इस तरह से हम प्रीसेट यूज करके एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर से बने रहिएगा ताकि आप कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग कर सकें एंड प्रीसेट यूज कैसे करते हैं वो जान सकें। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने फोटो को सेलेक्ट करना है। तो गाइस आपको ऐसा फोटो सेलेक्ट करना है जिसका कि बैकग्राउंड ग्रीन हो, तभी आपका ये प्रीसेट वर्क करेगा। तो गाइस आपको यहाँ से अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से शेयर ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को हम एडोब लाइटरूम पे ऐड कर लेंगे। तो गाइस हम लाइटरूम एप्लीकेशन से इस फोटो को ऐड कर लेते हैं एंड ऐड कर लेने के बाद आपके यहाँ से सिंपली अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड ओपन कर लेने के बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके यहाँ से सिंपली अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस टेम्परेचर टूल पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से वाइब्रेंस को हम इंक्रीज कर लेंगे। तो गाइस आपको अपने बैकग्राउंड को सबसे पहले यहाँ से आपको ग्रीन कर लेना है ताकि आपके प्रीसेट सही से वर्क कर सके। तो गाइस आपके यहाँ से ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपके इसका सैचुरेशन को यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे एंड इंक्रीज कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस येलो कलर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसका ह्यू को भी हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। देन आपके यहाँ से डन कर लेना है। तो गाइस यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद आपके यहाँ से प्रीसेट सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं इस प्रीसेट को पहले से ऐड करके रखा हूँ। देन आपके यहाँ से इस प्रीसेट को सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको उसके बाद आपके यहाँ से इस थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है एंड थ्री डॉट पे क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस कॉपी सेटिंग पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड सिंपली इस ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपके यहाँ से फिर से अपने फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस मैं इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आपके यहाँ से इस प्रीसेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेना होगा, तभी आपका ये प्रीसेट वर्क करेगा। तो गाइस आपके यहाँ से हम इस थ्री डॉट पे क्लिक कर लेंगे एंड थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से इस पैच सेटिंग पे हम क्लिक कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे फोटो कुछ इस तरह से एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस आपके यहाँ से कलर मिक्स करना है तो आपके यहाँ से इस टेम्परेचर टूल पे हम क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से मिक्स टूल पे चले जाना है एंड मिक्स टूल पे चले जाने के बाद आपके यहाँ से आपको ऑरेंज कलर अधिक चाहिए तो आपके यहाँ से इसका सैचुरेशन को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे एंड आपके यहाँ से येलो कलर को सेलेक्ट कर लेना है एंड येलो कलर को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से इसका यू को कुछ इस तरह से हम माइनस की ओर कर लेंगे कुछ इतना। देन आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड आपके यहाँ से सिंपली स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपके यहाँ से कर्व को सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से इसका कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि हमारी फोटो और भी क्रिएटिव लगे। देन आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस टूल पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से सिंपली इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो गाइस कुछ इस तरह से ऑन कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस शेयर ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे एंड अपने फ़ोटो को सेव करने के लिए आपके यहाँ से इस सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस आपको एक बात ध्यान रखना होगा, तो गाइस आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेना है देन आपके यहाँ से इस प्रीसेट को यूज़ करना है। तो गाइस मैं प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।